होश में हो। होश में आओ कि नहीं चलेगी, धोखा दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, साफ जाके झुकना पड़ेगा। जम्मू जिंदाबाद, 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 एशिया पैसिफिक फ्रंट, जम्मू जिंदाबाद। वी वांट जस्टिस के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, पिछले 9 रोज से जम्मू पीएचई में काम करने वाले हमारे मुलाजमीन, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आरजी मुलाजमीन, सीपी वर्कर्स, नीड बेस वर्कर्स, लैंड ओनर्स, आईटीआई वर्कर्स हड़ताल पे हैं, काम छोड़ हड़ताल पे हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। पूरा पानी बंद है जम्मू शहर में और लोग भी तरस रहे हैं, चीकू पुकार कर रहे हैं, हाहाकार मची हुई है। आरजी मुलाजमीन भी बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके अहल आयाल भी चीकू पुकार कर रहे हैं और उनको पूछने वाला, उनके साथ बात करने वाला कोई है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे कोई सरकार ही नहीं है। सरकार से हमारी अपील होगी कि वो आरजी मुलाजमी जो जम्मू में हड़ताल पे हैं उनके साथ बात करें, उनके मुतालबात को सुने और मुतालबात को सुनने के बाद उनको पूरा करें। अगर ऐसा वो नहीं करते तो हमने भी फैसला ले लिया है, कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन यहाँ पे उनके साथ शाना मिलके एहतजाजी हड़ताल की कॉल देगी और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी फिर यहाँ के गवर्नर इंतजामी। जम्मू कश्मीर दोनों ही प्रोविंसेस में यूनियन टेरिटरी के अंदर लगातार पीएचई के जो मुलाजिम हैं वो हड़ताल पर लगे हुए हैं। जहां जम्मू में एक तरफ काम छोड़कर भूख हड़ताल पर पीएचई डिवीज़न के मुलाजिम जो हैं वो बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर डिवीज़न के अंदर से भी अब सपोर्ट शो किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के दोनों ही हिस्सों में, यूनियन टेरिटरी के दोनों ही हिस्सों में अब हड़ताल की जाएगी, पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी, कोई काम नहीं होगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा। ऐसे पानी ना मिलने की बातें पहले भी काफ़ी बारी ये डिपार्टमेंट कर चुका है, ये यूनियन कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड इनके सामने रिजल्ट नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर ने इनकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जब भी कोई रिएक्शन आता है तो रिएक्शन इतना ही होता है कि बात की जाएगी, इनके मामले सुने जाएंगे और उन पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक कोई डिसीजन सामने नहीं है। अब देखना यह है कि जहां जम्मू एक तरफ पूरी तरह से सफ़र कर रहा है पानी के लिए, कश्मीर में भी जैसे ही सफरिंग्स बढ़ेंगी क्या इनकी बातें सुनी जाएंगी या नहीं। मुझे अमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त, बने रहिए, देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।